साउथ के सुपरस्टार में से एक रामचरण को आजकल बेहद खास अंदाज में देखा जा रहा है। लगातार उन्हें काले कपड़ों और बिना जूते चप्पल के देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब ऑस्कर्स के लिए अमेरिका जाते समय भी वे इसी अंदाज में हैदरा एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। रामचरण का जो वीडियो सामने आया है उसमें वह कार से उतरते नजर आ रहे हैं। इस दौरान रामचरण काले रंग के कुर्ते और पैजामे में नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में गमछा भी है। इसके अलावा वह नंगे पैर चलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी इन तस्वीरों के साथ यह बात भी वायरल होने लगी कि क्या उन्होंने ऑस्कर्स के लिए कोई मन्नत मांगी है, इसलिए रामचरण ऐसी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, जो काफी हद तक लोग मान भी रहे थे। लेकिन उनकी जो बात सामने आई है उससे रामचरण के फैंस के दिल में उनके लिए इज्जत और प्यार और भी बढ़ा दी है। दरअसल रामचरण ने अयप्पा दीक्षा ली है, जो केरल के सबरीमाला मंदिर में जाने से पहले ली जाती है। 41 दिनों तक इसमें बेहद सख्त नियमों का पालन करना होता है। इन्हीं में से एक काले कपड़े और बिना जूते चप्पल में रहने का नियम है। अयप्पा के भक्तों के लिए नया नहीं है, लेकिन जिस लाइफस्टाइल के साथ रामचरण रहते हैं उसमें यह नियम जिस तरीके से वह निभा रहे हैं उसकी लोगों ने खूब तारीफ की है। यही नहीं, ऑस्कर जैसे इवेंट के लिए भी वे इस नियम का पूरी सादगी और निष्ठा के साथ पालन करेंगे। उनकी यह बात लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार और बढ़ा रही है। वैसे भी साउथ के स्टार्स लोगों को धर्म के ज्यादा करीब लगते हैं और यही बात लोगों के दिलों में उनके लिए ज्यादा जगह बनाती है। बता दें कि रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। इसके लिए रामचरण अमेरिका रवाना हो गए हैं। ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन 13 मार्च 2023 को होगा। इस दिन सभी भारतीयों को उम्मीद है कि SS मौली की फिल्मी का गाना इतिहास रचेगा। उम्मीद है आपको खबर पसंद आई होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशंस हिट से।